बिहार के बारे में ऐसी धारणा बना ली गई है कि यहाँ पर बुनियादी ढांचों की कमी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का नहीं है। लेकिन क्या सच में बिहार की तस्वीर ऐसी ही है? हमारे इस खास सीरीज सच में ऐसा है अपना बिहार में, मैं जूली आपको ले चलूँगी एक ऐसे बिहार के सफ़र में जहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी इमारतें जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस है और बड़े बड़े शहरों के इमारतों को टक्कर देती हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुँचे हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पटना का जो नया बस स्टैंड है, बैरिया बस स्टैंड, और हम जानेंगे इसके बारे में कि इसे बनाने में कितना कुछ लागत लगा था और क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर मौजूद हैं। आइए जानते हैं। अगर इसके निर्माण की बात करें तो 2017 में ही इसे बनाने का काम शुरू हो चुका था और अब ये बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम बसें यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ से बसों का परिचालन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जो पूरा परिसर है वो 25 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है और बिहार सरकार ने इसे बनाने के लिए 302 करोड़ रुपये खर्च किए थे और अब ये बस स्टैंड पूरी तरीके से चालू कर दिया गया। हालांकि अभी भी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं पीछे कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है। यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम सुविधाएं जो है मॉल बनाए जाएंगे, उसके साथ रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल वगैरह वगैरह यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि ये जो बस स्टैंड है वो सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का इकलौता इंटर स्टेट बस टर्मिनल है। इसे पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने आप में बहुत आलीशान होने वाला है। बिहार में अपने तरीके का इकलौता इंफ्रास्ट्रक्चर ये होने वाला है। इससे यात्रियों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही जो बाहर से लोग आते हैं, तो जो दूसरे शहरों से आते हैं, जो दूसरे देशों से बिहार का पर्यटन करने के लिए आते हैं, उनको भी काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि पहले बिहार में कोई इंटर स्टेट बस टर्मिनल नहीं था जिसकी वजह से लोग प्राइवेट गाड़ियों में सफ़र करते थे तो उससे खर्चा बहुत आता था। लेकिन अब जब ये बस टर्मिनल बन गया है, लोगों को पता है कि यहाँ से बसें चल रही हैं, तो वो यहाँ आकर के बस से ट्रैवल कर सकते हैं जिससे उनकी बचत तो होगी ही, साथ ही एक बड़ा आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार को मिल गया है बिहार सरकार की तरफ से। और इसके अंदर आपको बता दें कि वेटिंग रूम के साथ साथ सिनेमा हॉल और मॉल और तमाम तरीके की सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। आपको हम एक बार घूम के दिखाते हैं कि इस परिसर में आखिर क्या क्या बनने वाला है और कहां पर वो चीज़ें बनने वाली हैं। और अब हम दिखाएंगे आपको फर्स्ट फ्लोर से, इस ये जो मेन बिल्डिंग है वहां से व्यू कैसा दिखेगा। आपको देख सकते हैं आपकी जो बसें खड़ी है वो यहां से साफ दिखाई दे रही हैं, लगातार बसें आ रही हैं बस टर्मिनल में, यहां से बसें रवाना भी हो रही हैं, तो ये दिन भर तांता लगा रहता है यहां पर। अब पूरी तरीके से बसों का परिचालन जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पहले जो पटना का बस स्टैंड था वो मीठापुर में हुआ करता था, लेकिन ये शिकायत रहती थी कि वहाँ पर अक्सर कीचड़ लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से अब बस स्टैंड को शिफ्ट करके ये बैरिया में ला दिया गया है और यहाँ पर अब बसों का परिचालन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार काम जारी है और जल्द ही ये पूरा बस स्टैंड एकदम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस होकर के यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल बाहर का जो बस स्टैंड है जहाँ पर बसें पार्क की जाती हैं वो खोल दिया गया। हालाँकि एक शिकायत यात्रियों को रहती है कि यहाँ पर कम बसों के पार्क करने की जगह है, तो उसको लेकर के भी सरकार अभी विचार कर रही है, उसको लेकर के भी उस समस्या को सुलझाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि लगातार ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लैस बस स्टैंड को बनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। हम आपको अंदर से इसका पूरा व्यू दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके अंदर मॉल के साथ साथ वेटिंग रूम और सेंट्रलाइज्ड एसी, जो जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं मॉडर्न फैसिलिटीज़, उससे ये पूरा जो परिसर है वो लैस होगा और उसकी एक झलक आप अभी ही देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़ने के लिए छोटा सा बीच में ब्रिज बनाया गया है और इसका भी काम अभी जारी है। हालांकि ये पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये पूरा जो परिसर है वो बनाया जा रहा है, ये पूरा जो बस स्टैंड है वो बनाया जा रहा है। हर जगह ये छोटे छोटे ब्रिज मौजूद है, जितने भी ब्लॉक हैं उन सब के बीच में ये छोटे छोटे ब्रिज बनाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं उन्हें सीढ़ियों का सहारा ना लेना पड़े, वो ऐसे ही एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आसानी से जा सकें।
चुके हैं इस वक्त पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के फर्स्ट फ्लोर पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा स्पेसिफाई कर दिया गया है जगह को कि यहाँ पर शॉप लगेंगे, यानी कि जो खाने पीने की या फिर दूसरी चीज़ों की दुकानें हैं वो यहाँ पर बनाई जाएंगी। और यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, अभी भी ये पूरी तरीके से बना नहीं है, इसका काम लगातार जारी है और जल्द ही ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के परिसर के भीतर, जो मेन बिल्डिंग है उसके भीतर हम पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इसके भीतर जो है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए भी टॉयलेट बनाया गया है, साथ ही महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए अलग से टॉयलेट बनाए गए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन वाली सीढ़ियाँ मिलेंगी, तो तमाम तरीकों की सुविधाओं से ये जो बिल्डिंग है वो लैस होने वाली है। लेकिन अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि आप साफ तरीके से देख रहे हैं, अभी भी बम्बू लगे हुए हैं यहाँ पर, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो हम आपको दिखाते हैं पूरे अच्छे तरीके से कि इसका काम किस तरीके से अभी चल रहा है। आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे होंगे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, ये बस स्टैंड का ब्लॉक बी है। और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर सिनेमा हॉल बनने वाला है, साथ ही यहाँ पर तमाम तरीकों की दुकानें भी रहेंगी, जहाँ पर जो यात्री हैं जिनकी बसें लेट से आने वाली है वो इंतज़ार कर सकते हैं, उनके एंटरटेनमेंट की पूरी व्यवस्था की जाएगी, साथ ही उनके सहूलियत को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। तो अगर आप दूसरे जगह से आए हैं, दूसरे राज्य से आए हैं या फिर दूसरे देश से ही आए हैं और आपकी बस को आने में अभी टाइम है या फिर आपकी बस को अभी खुलने में टाइम है, तो आप वहाँ पर जाकर के पूरे मनोरंजन से वहाँ पर इंतज़ार कर सकते हैं, तमाम सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एसी भी रहेगा, साथ ही सिनेमा हॉल के साथ साथ खाने पीने की दुकानें रहेंगी, दूसरे एंटरटेनमेंट सेंटर भी रहेंगे। तो वहाँ पर जाकर के यात्री जो हैं वो आराम से बस का इंतज़ार कर सकेंगे। पहले क्या होता था कि यात्रियों को जब बस लेट हो जाती थी तो इधर उधर भटकना पड़ता था, उतनी सुविधा नहीं थी जो मीठापुर में बस स्टैंड था वहाँ पर। लेकिन इस बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है, यहाँ पर उन्हें ना बोरियत का एहसास होगा और ना ही उन्हें ऐसा लगेगा कि वो बस का इंतज़ार कर रहे हैं, वो मनोरंजन के साथ अपना समय काट सकेंगे। और तमाम तरीके की सुविधाएं उनके लिए यहीं पर इसी बस स्टैंड के परिसर के भीतर ही उपलब्ध रहेंगी। साथ ही मैं आपको वो रोड दिखाना चाहूँगी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं एलिवेटेड रोड बनाया गया है, और छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती है, कार हो गए, बाइक हो गए, उनके लिए वो इस बस स्टैंड के भीतर आ सके उनके लिए एलिवेटेड रोड बनाया गया है। तो जो लोग गाड़ियों से यहाँ पर आने वाले हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, वो इस रोड के ज़रिए आराम से अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। साथ ही जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, वो भी व्हीलचेयर से होते हैं, तो उनका व्हीलचेयर भी बड़े आराम से इस एलिवेटेड रोड के ज़रिए उन्हें लाया जा सकेगा। पूरी सुविधाओं से ये भवन जो है वो लैस है। हमने आपको पूरे परिसर का दौरा कराया, हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। हालांकि अभी हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा, इस पर अभी भी काम किया जा रहा है। कुछ शिकायतें भी हैं लोगों की जिसे सरकार सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।